लाख रुपए के बजट में ये वन ऑफ द बेस्ट स्मूथ और रिफाइंड इंजन वाली बाइक है। बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होती है यार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि 163 केजी इसका वेट हो। ये ऐसा लगता है कि आप 140 केजी के आसपास की बाइक राइड कर रहे हो। सो गाइस, ये है KTM ड्यूक 250 थर्ड जनरेशन मॉडल की चाबी और बाइक की बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है और बहुत मस्त लग रही है। और ये है KTM ड्यूक 250 का थर्ड जनरेशन मॉडल। फ्रंट से देखने में बाइक बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। फ्रंट लुक्स के अंदर थोड़े से चेंजेस आ गए हैं और साइड प्रोफाइल जो इसकी है वो भी पहले से थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है। जो इसके टैंक शार्ट्स का डिजाइन है वो पहले से थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है और बाइक के अंदर और ज्यादा एजेस और शार्पनेस ऐड हो गई है। हेडलाइट के साइड पैनल्स का जो डिजाइन दिया गया है वो और भी ज्यादा शार्प हो गया है और टैंक शार्ट्स भी यार देखने में बहुत ज्यादा मस्कुलर और बहुत ज्यादा शार्प लग रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है बाइक का इंजन। पहले इसके अंदर DOHC इंजन आता था लेकिन अब इसके अंदर 248cc का लिक्विड कूल्ड SOHC इंजन है जिसके अंदर 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको मिल जाएगा। सो DOHC इंजन की जगह पे अब SOHC इंजन आ चुका है लेकिन आपको वही सेम लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। पहले पावर इसकी 30 PS थी लेकिन अब इसकी पावर 31 PS है और 25 Nm का इसके अंदर मैक्सिमम टॉर्क है। सो 1 PS पावर इसकी थोड़ी सी बढ़ गई है और इंजन की स्मूथनेस और रिफाइनमेंट पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं पहले भी इस बाइक को थोड़ा सा राइड कर चुका हूँ और अब ये इंजन मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है पहले के मुकाबले। और साथ ही आपको बाइक के अंदर BS6 फेस टू कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाता है, OBD2 सेंसर भी है और ये E20 कंपैटिबल भी है। 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल के मिक्सचर पे प्यार से चल सकती है। और एक बार आप बाइक का वॉक अराउंड भी देख लो, LED इंडिकेटर्स। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है यार बाइक में, पहले वाला जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल था वो काफी कॉम्पैक्ट था और उसके अंदर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलती थी लेकिन अब इसके अंदर बड़ा सा LCD डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल आ चुका है जो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है और इसके अंदर आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। साथ ही बाइक के अंदर स्विचेबल रियर ABS भी आ चुका है, यानी कि जो पीछे वाला ABS है, पीछे वाले व्हील के अंदर जो ABS है उसको आप ऑफ भी कर सकते हो। सो ये फीचर काम आएगा ऑफ रोडिंग के टाइम पे। और सबसे इम्पोर्टेंट, बाइक की जो सीट हाइट है वो भी अब काफी रिड्यूस हो गई है। सीट हाइट अब इसकी आपको 800 mm की ही मिल जाएगी। शॉर्ट राइड्स के लिए अभी बिल्कुल कंफर्टेबल है और मेरी हाइट 5'7" है और मैं अभी इस बाइक में दोनों पैर बड़े आसानी से रख सकता हूँ, दोनों पैर मैं आराम से रख सकता हूँ। लेकिन पहले वाला जो मॉडल था उसके अंदर मैं दोनों पैर आराम से नहीं रख पाता था। और बाइक का वेट है 163 kg। सेगमेंट के अकॉर्डिंग पावर टू वेट रेशियो इसका काफी अच्छा है और टैंक श्राउड्स का डिजाइन बहुत बढ़िया हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी अब 15 लीटर्स की हो चुकी है और पहले से काफी इम्प्रूव हो चुकी है। और रियर प्रोफाइल भी इसकी आपको थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलेगी। जो ग्रैब रेल्स का डिजाइन है वो भी बिल्कुल नया है और LED टेललाइट का डिजाइन भी आपको बिल्कुल नया देखने को मिलेगा। टी शेप वाली LED टेललाइट है इसके अंदर जिसके लुक्स पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। LED इंडिकेटर्स आपको पीछे भी मिल जाएंगे। 150 सेक्शन का पीछे टायर मिलेगा आपको, 100 सेक्शन का फ्रंट में टायर मिलेगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और ड्यूअल चैनल ABS तो इसके अंदर स्टैंडर्ड है ही। और बाइक के अंदर MRF के स्टील ब्रेज टायर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो काफी अच्छे टायर हैं। नो डाउट इन टायर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज मुझे जो इसकी पसंद नहीं आई, जो इसके अंदर पहले इंजन काउल आया करता था वो कंपनी ने अब हटा दिया है और इसकी वजह से बाइक नीचे से ऐसा लगता है कि काफी खुली खुली सी दिखाई देती है, एकदम एक्सपोज हो रखा है नीचे वाला पार्ट। तो ये थोड़ा सा ढका रहता और इंजन काउल अगर यहाँ पे होता तो शायद बाइक के लुक्स थोड़े और ज्यादा अच्छे लग सकते थे। बाइक में आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है। बाकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस है 2,40,000, 2,40,000 रुपए और ऑन रोड प्राइस इसका आपको 2,75,000 के आसपास मिल जाएगा। इसी प्राइस में ट्रैम्प की स्पीड 400 भी आती है, TVS की अपाची आरटीआर 310 भी आती है, होंडा की CB300R भी आती है और डोमिनार 400 भी कहीं ना कहीं इसी प्राइस के अंदर आती है। तो इस प्राइस के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और ये भी एक काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। हेडलाइट पहले थोड़ी चौड़ी आती थी, बड़ी हेडलाइट थी, लेकिन अब इस हेडलाइट को थोड़ा छोटा कर दिया है और नीचे से आप देखोगे तो ये वी शेप हो गई है इसकी काफी हद तक। और पिलियन सीट हाइट भी अब इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, पिलियन कंफर्टेबली बैठ के आपके साथ राइड कर सकता है। तो यार बाइक के बारे में बातें तो बहुत सारी हो गई है लेकिन बाइक को आप राइड करके देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यार, इस बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर भी आ चुका है और इसका क्विक शिफ्टर यार बहुत ज्यादा स्मूथ है, बटर स्मूथ क्विक शिफ्टर इसके अंदर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाता हूँ। बहुत साइलेंटली ये स्टार्ट हो रही है यार, आइडल पे इसका साउंड ऐसा है। थोड़ा सा रेव करता हूँ अब। इंजन अब इसका बहुत स्मूथ है, पहले से बहुत ज्यादा रिफाइंड है और एग्जॉस्ट नोट के अंदर बेस भी आपको ग्रंट काफी अच्छा मिल जाएगा। तो बाइक को राइड करते हैं अब। वाह यार,
अब तो ये पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रही है यार। और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, पहले के मुकाबले तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कि इसकी जितनी तारीफ मैं करूँ उतनी कम है। और बाइक एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल खिलौना सी है, बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा निम्बल है। और ट्रैफिक वाली कंडीशन में तो आप इसको बड़े आसानी से मैनूवर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट यार, इसकी हैंडलिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इसका क्विक शिफ्टर कितना अच्छे से काम करता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी फर्स्ट गियर लगाया मैंने, अब इसमें चलते हैं। इसका क्विक शिफ्टर यार बहुत स्मूथ है, बहुत प्यार से काम करता है क्विक शिफ्टर। मतलब बिल्कुल भी आपको क्विक शिफ्टर के अंदर कोई भी जर्क्स देखने को नहीं मिलेंगे, कोई झटका देखने को नहीं मिलेगा। क्विक शिफ्टर बहुत प्यार से काम करता है यार। सेकंड जनरेशन वेरिएंट के मुकाबले इसके अंदर ज़्यादा स्मूथ रिफाइंड इंजन है। माइलेज बाइक के अंदर आपको 30-35 KMPL के आसपास की बड़े आराम से मिल जाएगी। और इसकी सस्पेंशन की ट्यूनिंग भी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सस्पेंशन ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टिफ हो, सस्पेंशन की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि आप छोटे मोटे गड्ढों से निकलोगे ना तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, छोटे मोटे गड्ढे आपको बिल्कुल भी फील नहीं होंगे। तो सस्पेंशन इसके ना तो बहुत ज़्यादा स्टिफर साइड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड है, बहुत अच्छे से ट्यून किए गए सस्पेंशन है। फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। वाइट पावर की आपको मोनोशॉक सस्पेंशन आपको पीछे देखने को मिल जाता है, वाइट पावर का ही आगे USD फोक्स है। रिफाइनमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा यार इस बाइक का। तो बाइक का बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर USD फोक्स आपको मिल जाते हैं, ऑल LED लाइट्स का सेटअप मिल जाता है। और इसके अंदर आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला एक LCD डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, जो पहले से बड़ा भी है और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होती है यार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि 163 kg इसका वेट हो, ये ऐसा लगता है कि आप 140 kg के आसपास की बाइक राइड कर रहे हो। और टर्निंग रेडियस भी यार इसका बहुत ही कम है, बहुत आसानी से मुड़ जाती है और बहुत निम्बल होने की वजह से इसको मैनूवर करना भी बहुत आसान है। सो गाइज, ये था ऑल न्यू KTM ड्यूक 250 का राइड रिव्यू। बाइक मुझे चलाने में बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आता है जब भी इस बाइक को राइड करता हूं। तो आपको ये बाइक कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप में से कौन कौन KTM ड्यूक 250 लेने की प्लानिंग कर रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस बाइक को परचेज करने से पहले एक बार इसकी टेस्ट राइड लेके जरूर देखना। 3 lakh rupees के बजट में ये वन ऑफ द बेस्ट स्मूथ और रिफाइंड इंजन वाली बाइक है। सो इस वीडियो में यार फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी वीडियो में पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अपने भाई को यार इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2KMotoVlogs। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।